निकल जाओ। रहा मैंने कहा मैं क्यों निकल जाओ यार, हमें भी कमाने खाने दे, ले जा। रहा मैंने कहा यार हम तेरे बाप के संगति है, अरे हम तेरे बाप के संगति तीन आदमी है, दावत हुआ तो हमारे चले गए, हम अकेले ही रह गए अपने गांव के अंदर। बेटा हमें क्यों दबरा रहे हो, हम क्या बुरा काम करते हैं कि तुम हंसाते बहुत हो इसलिए निकल जाओ। रहा मैंने कहा हंसाता हूं तो कहीं बुरा काम करता हूं यार, तेरी टाइम पास हो जाती है, जनता की टाइम पास हो जाती है, कई इज्जत से निकल लो। रहा मैं लेकर ही लो मस्ताना पिट के लेकर तो लेकर नो ताजे इज्जत से निकल लो। चुपचाप जाकर घर पहुंचे तो घरवारी आ गई, हाथ मुंह धो लो, रोटी खा लो, कैसे सुस्त हो। मैंने बाहर में जाए तेरी रोटी, ऊपर से जाए ढोला। ढोला को क्यों गाली दे रहे हो, ढोला ने का बिगाड़ हुआ। मैंने कहा ऐसा हम गांगे ही ना है, इतना काम करते मेहनत करते और ढोला वारे हमें नगर में ना लाते, तबराते रहते, ऐसा ढोला ही ना गांगे। ढोला ना गावे तो बालक कैसे पाल लो, जो ना करे पेट को धंधो ता समझो आखिर से अंधो। पैसा को कहूं हिल लो देख लो, बाकी बाद में ढोला छोड़ियो। मैंने कहा बात तो सही कह रही है। मैंने कहा तू चाचा परामटे लौट दे देसी भू के घी के। घी के, हाँ घी के, बहन जी सही कह रही है। बहुत पटे हो भाई साहब, परामटे लौट दे, मैंने 200 रुपए किराए के पकड़े, फट आनंद विहार उतर भरो। जैसे आनंद विहार उतरो तैसे भैया एक डुगी वाले ने हम मजमा लगा राखो और सह करो मुसीका लगाए फिर रहे लॉकडाउन को समय। करोना हाय करोना 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 भाई साहब सह करो मुसीका, हमने की मर गए बहन जो, पुलिस पे पुलिस मारी फिर रही, अगर काऊ ने पकड़ ले मस्ताना तुम जेल में होगे, बालक कह रहे होंगे पैदा कर रहे हैं तुम पे, वो मुसीका ना आए अब कैसे करें यार। एक डूट की बारे ने मजमा लगा रहा को ऐसे कच्छ भैया ठाड़े कच्छ बैठे बीच गोल में अपना बैठो। ओ आदमी हमने की यार पैसे तो चार आदमी खिट्टे ना बैठन दे रही है सरकार, आज चक्कर का है जहां कैसे बिलंडा जरो पर हो आदमी पे आदमी चढ़ो फिर रहो, चल के देख रहे चाहिए यार। फट पहुंच गए हम एक बट्टी बांसुरी और एक डूडूगी, नेक मट्टी उठावे हथरिया पे धरे तीन चार फेरा बांसुरी को घुमावे और कदे चुर कुचड़ी बान निर रुपया लेकर के फेंक दे कपड़न से बासन तेरी कटिया मत दई। मैंने की यार मस्ताना जो काम ठीक है बेटा जा सीख ले, अगर काम सीख गया तो ठंडे में पेड़ तर बैठ के मजमा लगा लेंगे, क्योंकि तुम पे भारी काम तो कुछ होगा ना, ना तुम पे ईट गिलाओ हो और ना तसला मसाले कूट है, तुम जा काम सीख ले और पेन तो सीख ना पाएंगे और सीख ही हुए तो अजय कपड़ा लगता तो बाद में बनाने रुपया बना बना कुटरिया में रंग पहन तो अपनी चल गए। हमने की यार बहनचोद जी सब चले जाएंगे तभी जाएंगे जाके डोरे, वे देखन वाले इतने बितने को हटे और मैं बाके डोरे पहुंचू के काम आते हैं, मैंने आज जा कर हमें ना शिकायत दी कि तुम सीख ले हुए। मैंने सीखना का यार ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे चपरी हुई है, अरे आदमी सब काम कर लेते यार सीख लेते। तो कह जो है जादू बंगाल चलने पर है, मैंने की चलो यार बंगाल हम चले चलेंगे, आगे आगे जादूगर पीछे पीछे हम। बाके घर पहुंचे सांझ की टाइम, बाने खवा रोटी सुबह दे, मैंने की अब तो रात है कि सवेरे सिखावे हो, 4 बजे ना ले डूट गई बोतल लेकर को मजमा लगाने को हमें सोबत हुई छोड़ गो। मैं ठीक रहे बहन चो यहाँ जान ना पहचान यार, बड़ा धोखेबाज आदमी है बहन चो, नो ही कह दे तो को मैं जा रहा हूँ मजमा लगाना तो हम अपने कहूँ उठ के बैठ के जुगाड़ कर लेते, अब किन से का के मैंने अब तो लेंच में सिखावे हो आगे वो होते ही टाइम आओ जैसे टाइम भाई घर पहुंचे हम खाए रोटी फिर सोए गो, मैंने हारू थको आओ अब तो सवेरे सिखावे हो। फिर डुबडुकी 4 बजे ही पिल्ले करी गो मुझे गुस्सा आए, तेरी तो ऐसी कम तेजी बहुत चालू बन रहा सारे आज आ जा तब देखूंगू, जैसे आओ तैसे मैंने फट गिरफ्तार कर लो क्या बात है, मैं जा हमें ना सिखा सका तू है के मन सीखो, मैंने कहा ना सीखेंगे के मन सीखो, मैं सारे चल कटिया दिंगो तो पतो कौन से जिला को मैं क्या कहाँ के हो, मैं जिला बदाइयों को जिला बदाइयों के नाम से नौकरी तक ना मिलते सर में। तो के बात तो खतरनाक है यार, तो वो ये गुस्सा खा के इतनी बड़ी डिबिया में सिर्फ काल कार के फेंक कर धर के मारो, बाने भैंसिया बना दे, भैंसिया से बना के खूटा से बांध के लड्डू उडू लिख करो मजमा लगाना, मैं ठीक है मस्ताना जो आदत है ना जादू सही सी तू मरो बेटा बचा काऊ हालत में। भाई साहब मैंने कही यार भूख लग रही है, काऊ से मानस जौज में होते तो मांग के खा लेते, जाई जौज में मांगो मत कोई समझ जाए कि भूखी है खाने को मांग रही है। मैंने रह करो शुरू कर दो जैसे गाड़ी हॉर्न लगा रही है आ धीरे धीरे काऊ ने ना सुनी,
उन मर गए कोई जोश से सुन ना रहो। मैंने जोश से चिल्लाना शुरू करता हूँ, मैं जो जाने जाऊ लगा दे तब तक भाई घर वाली लेकर परी गल अल्लाह क्या हम मां कजा मैसिया बरेठा क्या ले चल जो बदल रही है। मैं मर गए बहन जो तू तो मांग रहे हो खाने को, जो कह रही है बदल रही है, तू मरो आज बचे हो ना। आगे आगे लड़का पीछे पीछे जाके बहू से बांध के डालते है। हमने की मस्ताना ज्यादा भीड़ पर है तो सांकर तोड़ दिए, ये तो मोटा कार्ड लेके बड़े ठावन पिछले पाए हम दे। मैंने की मर गए बेटा आप आज की कितने को आज चारों लंग से मधु पर हो जो जब बड्डा आके भैंसा गया चारों लंग को जब भैंसा ने घुन्ना के देखो और मेरे रोंगट उसके तरफ हो तू मरो। भगवान आज बचा ले ऐसी जादू मैं ना सीखूं कब भाई साहब जब पैसा रो रख के पर और मैंने करके आज मैंने हाथ तेरी बहन की जादू चो ना जा सकता अपन ढोल ही ठीक है भैया। तो लीजिए दोस्तों आसानी को सारी दिन पड़ा है, हंसाते रहेंगे इसी के बीच में आप लोगों के सामने समझ ढोला की कहानी लेकर के आ रहे हैं हमारे मलिक पर बिछोला की ओर से। नेक्स्ट यादव इसी चैनल पर सुनेंगे हमारे सूर्य भान यादव जी का ढोला, शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट यादव उसे गा करके सुनाएंगे हमारे प्रधान जी के सुपुत्र सूर्य भान यादव जी। शुक्रिया धन्यवाद दोस्तों। इस मंच पे बड़े 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 कलाकार गा गए, हम तो एक छोटे नाग समान हैं। आज निवृत्ति बाहर में हमारा भी नंबर है, जो कुछ हम कहे हमारी भी सुनियो। आज हम सुनाएंगे वफादार भाई बेवफा बहन, होमक की शादी लोहर की लड़ाई, बहन भैया के संग में कितने घात करेगी और भैया कितना सल्लू करेगा। आप लोग सुनो बैठे रहोगे तो मैं दावा के साथ कहता हूँ आपकी बेराई मसूद होगी। हम तो बहुत छोटे कलाकार हैं। तो राजा छत्रपाल की बेटी है कर्मों की हेटी, शादी पर जुग है पाई, एक समय की बात रानी राजा से रही बते लाई। दोस्तों बहुत ही सुंदर कथा है सुनाएंगे तो। हमीद कुमार की शादी लोहागढ़ की लड़ाई, किस तरीका से भैया के संग में बहन क्या व्यवहार करेगी और भैया क्या व्यवहार बतेगा। वफादार भाई बेवफा बहन उर्फ भीलगढ़ी की लड़ाई, किस तरीका से भीलों से तलवार जीत करके और जो हमीद कुमार की शादी होगी। दोस्तों बहुत ही सुंदर कथा है आगे के लिए सुनाएंगे तो। शुक्रिया धन्यवाद। कहते महाराज बामन के राजा हो तुम्हें ने कोई ख्याल, श्यानी बेटी घर पे भई न रचो बेटी का विवाह, मानो मेरी बात नाव ब्राह्मण को बुलवा बेटी के फेरे करा दे हाथ, शादी ना करोगे तो बहुत गजब हो जाएगा। महाराज आप लोग सुनियो, तुम बामन घर के अरे मेरे सैया राजा तेरे दुनिया में रोशन नाम, जो ऊंच नीच में पापों धिए को गिर गो बोल न कोई देवो सैया नाए रे तेरी जर से ना कजो बेटी कटवाए देगी। जलद बोल भैयो अरे सुता के पियरे अरे करवा दे सैया हाथ, इतने रे लब जो सुने रे रानी के अब ना तेरे तो लगाई रे ना वो ब्राह्मण मेलो मेरे बन तुरत लिए बुलवाई रे।
तो सामान मखमली रे थाम पात जन ही प्रया रहाई तेजे लिखे अपार के बारे रे लिख रही रे लड़ाई जमे पहली लड़ाई लिख दई भील गढ़ी की बाजगी भील नो सेरे तरवार अरे भामन पे भेट बरा ना किया लिख दई मढ़े तरा खुद समझी को लिख दो काल लिखी रे लड़ाई बाजगी ठिक ठिक पेरे तलवार तब ले शादी मेरे होगी ले छोटा की रे और ये 50 रुपए का पुरस्कार बबलू मुस्पावाद के रहने वाले ये 50 रुपया दे रहे हैं दूध पीने के लिए त्यारे चढ़ियो चो खटारे हाथी दांत के फुल्ली लगे सो वजन कार त्यारे ये मल तक हुआ खुदे आंगन में ये मल जोग जोग पीवे भैया प्यारी जिंदे खानी का भोले नाथले ए नाइके कब को खरुआ भेजुआ कहाँ है चाच जग के चलो गो कहाँ कहाँ लौड़ा की ननसार बाप के समझाने अपनी ससुराल बहु के पियर कुछ तो एक ही घर मेरे चाच जग के गो कैसे तेरे बाप को समझानो तेरी ससुराल सही है लौड़ा की ननसार बहु अब मेरे को हाँ रोटी तो एक ही जग के बैठे फिर तू तो करो चाच जग के गो रोटी तो एक ही जग के खाई कहीं तो महाराज किस लिए याद किया आज तुमसे काम है क्या काम है जो हमारी लड़की ना आए छत्रवती उसकी शादी का सिक्का ले जाओ तुम्हारी लूड़िया व्या ए सारे लड़की बोलते हैं छोकरी बोलते हैं लूड़िया शब्द बोलते हो जाती है अच्छा छोकरी हाँ अच्छा 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 21 साल का वरना 20 साल की हमारी लड़की है अच्छा इतनी सुंदर हमारी लड़की है उतना सुंदर वरना बेटी के योग मिलाओ ढूंढ के वापस आओगे जैसे 21 साल की लड़की हाँ वरना 20 साल की लड़की वरना 21 साल का हाँ होना जरूरी है तो महाराज देश देश में जाएंगे चिट्ठी लेकर जहां तक होगा तहां तक 21 साल को ढूंढेंगे मेहनत करेंगे घूमेंगे घूमियो खुदा खास्ता 21 साल को ना मिले तो 10.5 साल के दुआ ढूंढ लाओ बदतमी दुआ करने घर हम बारे हो अरे हम में एक लौंडिया दुआ दूला खने कर रहा हूं सब 21 साल का ही होना चाहिए और आता मैं 21 साल को ही ढूंढने आंगो भले मान सर नाराज क्यों है रे जब मैं जाऊंगा तो 21 साल को देख आ ओ बगैर बहना ढूंढ लो चाहे लोहागढ़ तो क्या होगा त्यारो कोई बच भैया होएगो ना अरे जना बच्चा पे फांसी लगवा दियो जिंदा एक बचेगो ना जल्दी चले जा तुमा परदेशन करे लिखा है कितना लाख ऊंट हजारा घोड़ा हाथ की कोई तादाद नहीं इतना धन लिखा है
कि सात जन्म बैठे खा तो माल कम ना होगा। और एक चीज और लिखी है कि नाव ब्राह्मण की द्वार बार पे भेंट है। ओ जा कैंसिल करो, जा कैंसिल करो, तुम्हारी थोड़े हुए जब बरौनिया लेके जाने तब तुम्हारी थोड़ा लड़का वाले लगा से है मरो तो हमारो ही खानदान देख ले खानदान तो बच्चों है। इसे कैंसिल करो, चलो कैंसिल है। हाँ और सब लिखो सब जाइए, लाओ चिट्ठी, लाओ चिट्ठी ले। क्या यार राजा महाराज, दान दे जो तो जामे तुमने अपर लिख दो। हाँ। साठ मिठलो बैठ खांगे तो भी कम नहीं होगा। और पलट में लिख दई है बारे लड़ाई, बारे लड़ाई ठिक ठिक पे तेगा बाजे हो, ठिक ठिक पे पहली लड़ाई भीलगढ़ी की है। हाँ। भीलो से तलवार जीत के आए, नदिया का पुल बंधवाए, बाप है के बरात आगे को आए। और जनवासे में समधि की भेंट है, भावन पे मड़े तर भरना की भेंट है। तो हमें जानता ब्याह फ्या क्या कर रहे लौड़िया और राण कर। अरे बदतमीज, ये राजा की मर्यादा होती है, जब भावन पे मरे वो पटा पे तो पटा की राण ना हुई। जब जो बता मुझसे बलवान होगा, उससे पैसे वाला होगा, वो ही लेके आएगा, वो हम पे नहीं मारा जाएगा तो काहे मरेगा। जैसे तुम लोगों में राजा लोगों में इस बात की मर्यादा मर्यादा होती है, लड़ाई दंगाई से ब्याह होते के अब से धीग ढूंढना चाहिए। कोई बात ना महाराज, तो ढूंढ आएंगे हम। और इसमें बहुत सुंदर 21 साल की लड़की, 20 साल की लड़की वरना 21 साल को होना चाहिए, उड़ेगी दुनिया में हंसी। अगर लौट के आए गए ना मिलो वरना तो लगवा देंगे जन बच्चा समझ ले तुम मरे तो महाराज गंती मैं करूंगा। मेरे बालकन्न का बिगाड़ो, मेरे बालकन्न को तो छोड़ दियो, ज्यादा छोटे 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 काम लाग ना है को कितने छोटे तो घुटन कड़ते है कटिया पकड़ के ठाड़ वाले ज्यादा छोटे हैं, छोटे छोटे बालक यार छतरी का ये कायदा नहीं होता है अगर बालक में हाथ चलाए बालक नहीं मारेंगे। तो महाराज हम तो गरीब आदमी है, तुमने इसमें बहुत कुछ लिख दिया है, ना मालूम हमें दिना लागे चांद ना लागे महीना लागे छह महीनों लग सकते हैं जिन कहाँ जाके हमें वरना मिले। सही बात है, गरीब आदमी है, कुछ घर खाने को भेज दियो जितना चाहिए उतना मैं अपने घर से तुम्हारे घर भेजूंगा खाने को। और हमारे पंडित जी के घर भेज दियो, पंडित जी ऐसी टुंचियां का चीज वे ज्यादातर देसी गु खाते हैं। घी, चलो एक पीपे भेज दूंगा घी का, एक पीपे घी जाइए आप बैठिए महाराज, हम जाएंगे। साफिया, साफिया नाम की बच्ची है, क्या क्या साल की है? 5 साल की है। भैया जिस किसी की हो वो बैठी है वहां से उठा ले आकर के, बच्ची के लिए रो रही है। ले गए, बहुत बहुत सुंदर। तो चलो ठीक है, नाउ और ब्राह्मण को जो संग हो तो ये पंडित जी को आवाज मारो, कहाँ है कहाँ ना है पंडित जी। अरे बुंत कैसे हैं? पालागा साहब चिरंजीव रहो, जाओ हम तो कहते हैं पंडित जी महाराज, महाराज महाराज पंडित जी महाराज। हाँ। और बेटा मौत आ रही है के सारे मौजा रही है? हाँ मैं तो ठीक ठाक रहूं। अपनी तो पई मालूम होती है, घर तो मकान पे ही है। अरे घर मकान पर कब से होता है? तुम्हारी ने जाए ना मालूम। महाराज तुम्हें कुछ नहीं मालूम, आज हम तुम बहुत ही लिब में। अच्छा, और हमें तुम्हें ना मालूम कितना इनाम मिलेगा। आज पूंछ चली गया फांस गई, देख ले मैं तो ऐसे ही फार्मूला लेके आ तो। अच्छा, पैदा हुए घर के को तो कहूं हुए रात काए रात है बिसौली से आगे अलग हुआ, अलग हुआ बगदार के बराबर से। हाँ। तो घर के तो पैदा हुए कम हुए और क्या, क्या? और आज रात को कहाँ चलो? आज चलेंगे चक्करपुर, चक्करपुर, चक्करपुर। घर के तो पैदा हुए कम हुए, तो ऐसा करो जा चिट्ठी ले लो, महाराज की चिट्ठी है
नौकरी पंडित जी को संग में लेके 20 साल की लड़की है, वरना 21 साल को ढूंढ के आइयो। 21 साल को जी, और 21 साल को ना मिलो तो पंडित जी तुम मर गए, ना मालूम तुम मर गए, का खबर पंडित जी तुम मर गए। तू मरे कोई ना, मैं तो सास के मरंगू ना, मैं तो कार्य कौआ गाय को पजू। जब मेरे संग रहे तो देखो मरे हो ना मरे हो, पहले तू ही मरे हो। मरंगू तो मैं हूँ, मैं तेरे संग ही रहूँ, मरंगू तो मैं हूँ। मरंगे क्या यार, चल राजस्थान में चल रहे हैं लगे। राजस्थान में कितने घट काट लियो, जो बात सही है वहाँ निरो रेता ही रेता है। हाँ पानी पत्ता हुआ ढंग से तो चला खोज करेंगे ढूंढेंगे। अब हमें माले पड़ रही है, जैसे जामे दान दे जो तो खूब है, अपर है। पलट में लिख देंगे बारे लड़ाई, अगर कोई लड़ाई पढ़ के ना, राजा नाराज है कह रहो हम तुमसे झगड़ा करने लागू, और झगड़े में काकबत तुम मर गए हो, तुम मार डाले ना मरंगो में तू ना मरे हो। अरे मरंगे तो है ही, चलो कोई बात ना, चिट्ठी मेरे पास है, चलो आगे के लिए चंदे कहीं ना मरना मिलेगा जी। चलो लेके चिट्ठिया ना ब्राह्मण जाए रे, भैया पल ना करे रे अवार, अरे देशा देश में ना ब्राह्मण डोले, सिक्का कोई चढ़ावे सुता को ना, अरे दाना दे जोरे सिक्का मेरे देखी, देखता बहुत खुशी अरे है जान, अरे जब कलड़ाई जमे बारे देखे कदमा सपा करे अरे नकार, धक्का मारे कई नौगा मन को नाई ब्राह्मण आपस में घबराने लगे, घर मिल रहा है तो पर नहीं मिल रहा, पर मिल रहा है तो घर नहीं मिल रहा, और पर भी मिल जाता है दांत दाजा पड़ते हैं तो खुश हो जाते हैं, जब बारे लड़ाई पड़ते हैं तो नारी मुड्ढा से हट जाती है, द्वारी से ढक्का लगा देते हैं। नाऊ ब्राह्मण सोचने लगे हे भगवान अब कहां जाए, लौट कर जाएंगे तो हमें राजा छत्रपाल फांसी लगवा देंगे, हमारा कोई दिन नहीं है। घबरा करके कहने लगे अब देश देश के राजा हो, हम किसे कहे बलधारी हो, किसे कहे बलधारी है, मुझको ये विश्वास हुआ पृथ्वी दीयों से खाली है। राजा नामी कामी राजा है, उनका भी बामनगढ़ में नाम है। भाई साहब एक शहर रह गया, चलो उसे देखते हैं चल करके। राजा मानसी महानगर में घूमे रे खामी के दोनों की। राम राम साहे, हे राम
राम एक ही बात होती है, एक ही बात है। हाँ। हम समझ रहे चाच जग लगानी ना, चाच जग ना है। किसका दरबार है महाराज, तुम्हें किसका चाहिए? श्री श्री 160 श्री राजा मानसिंह। तो ये मानसिंह का दरबार है। आपको एक लड़का सुनाया हूँ। लड़का है, क्या नाम है? होमवीर कुमार। होमवीर, होमवीर, होमवीर कुमार। अच्छा अच्छा अच्छा, होमवीर कुमार। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो शादी करोगे? शादी हमारे मतलब की होगी तो कर लेंगे। तुम्हें कैसा लगा चाहिए? एक बात बताओ, बातवारे हो? बातवारे हैं। ताकतवारे हो? ताकतवारे कम ताकत है रे। मोछवारे हो? सब वारे हैं, तुम बताओ। कुब्बतवारे हो? अरे कुब्बत रे, हिम्मत अलग अलग है गे। तो हम एक पत्थर लेके आए। पत्थर होगा? पत्थर होगा, पत्थर ना है। हाँ मैं लिखा रहा हूँ, तुम पढ़ ले। तेरे जेब में पढ़ ले। का कम पढ़े भाई, तेरे जेब में पढ़ लेंगे तो ज्यादा पढ़ो लिखो हो जाऊंगा। तुम्हारे हाथ में कहा चिट्ठी और कहा लिया, पढ़ के सुना। तो ठीक है रही, पढ़े भाई होगा। मेरे तो अच्छे बाप नहीं ना पढ़ाए भैया। चलो सारे को तुक्का फिट करेंगे घर के। तो श्री श्री 160 श्री सेवा राम लबे दब है। सेवा में निवेदन है, सेवा राम निवेदन ना है। हाँ सेवा में निवेदन है, हम कह रहे हैं सेवा राम लबे दब है। समाचार बीघा गेहूं ली लगा, गेहूं ली लगा ना खा गए, आगे समाचार लिखा जाता है। लिखा जाता है पलट में, क्या लिख दी है? श्री भाई हो श्रीमान, श्रीमान ले तू खार भैया। मैं तो इतवार वाद दिन पढ़ो, कम पढ़ो इतवार वाद दिन पढ़ो। स्कूल ने पढ़ाई ना होगी, मास्टर मिली ना होगी। पड़ी सगाई लोहा घर की, नंबर तो निहार सोच समझते ही मान सिंह ने हाथ कलम में मारो रे। शादी में नाए रे करन मोजी, जैसे तुमने सिक्का एकदम पड़ते ही फेंक दो। मेरे मतलब को ना बाहर लड़ाई है। हम से कह रहे हैं मौछ मारी है, ताकत मारी है, कुप्पत मारी है। जब दान दे जो पड़ो तो खुश है गए, बारह लड़ाई पड़ी तो चूतर फटी गई। तुम राजा तुम रजाइये ना, ए तुम कदाना कदाइये ना, कदुआ तुराइये ना। बहुत पटोए नाम को ना सुगदी कदुना, एक कौन सा को नाम मानवती सोवा जटोले का नाम का दरिया सी पानी को बतो ना, नाम के याद राम दित्ती को बतो ना, मर गई तेरी रीत पे टांग दरिया भी हित पे। हां कहे गो एक कहने में हार हाथ में।